हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुज कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्सार्ज, जहां पर हम सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल और सेक्रेटरियल अपडेट्स डालते रहेंगे दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड योर बिजनेस एज वेल। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लेटेस्ट अपडेट। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, उसे हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती हैं, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं और भी बहुत कुछ हम इस वीडियो में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में जानेंगे। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो इसमें पहला वर्ड है पब्लिक। पब्लिक मतलब क्या है कि आप इसमें एक जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पहले इसके नाम पे थोड़ा ध्यान दीजिए। पब्लिक का मतलब है इसमें कि जनरल पब्लिक इन्वॉल्व हो सकती है इसमें। इसमें आप अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा के आप जनरल पब्लिक से शेयर इशू कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड का मतलब है इसमें जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकती है। जब भी आप किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम सुनेंगे तो उसके आगे लिमिटेड वर्ड लिखा होगा, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड। और अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम सुनेंगे तो जैसे उसका नाम होगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड। आप किसी LLP का नाम सुनेंगे तो XYZ LLP। तो आप किसी कंपनी के नाम से ही उसका टाइप बता सकते हैं कि ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है या फिर LLP है। तो ये तो हो गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पब्लिक का पार्ट। अब दूसरा पार्ट आता है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में? लिमिटेड का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी है शेयर होल्डर्स की। इससे पहले हमारे एक वीडियो आ रखी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जिसमें आशु ने बहुत अच्छे से समझाया है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती क्या है। फिर भी इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ कि लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि शेयर होल्डर्स ने अपना जितना अमाउंट, अपना जितना कैपिटल उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, वो सिर्फ उसी अमाउंट के लिए लायबल है, उसकी कोई पर्सनल एसेट लाइबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगी। तो ये होती है लिमिटेड का मतलब। अब हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। तो जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है, वैसे ही सेम पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। तो जो ज़्यादातर रूल्स एंड रेगुलेशंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास हैं, वो सारी पब्लिक लिमिटेड के पास भी हैं। और कुछ एडिशनल एडवांटेजेस हैं जो पब्लिक लिमिटेड के पास हैं, जो कि हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। तो इसमें हमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं और मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स चाहिए होते हैं। मैक्सिमम पे कोई भी लिमिट नहीं दी हुई है एज पर द लॉ। जनरल पब्लिक किसी कितनी भी शेयर होल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो मैं आपको टाटा मोटर्स का एग्जांपल देता हूँ, जिसमें अराउंड टाटा मोटर्स के हैं 332 मिलियन शेयर्स, जिसमें से 92 मिलियन शेयर्स जनरल पब्लिक होल्ड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डिंग है जनरल पब्लिक की। एक एडवांटेज ये भी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कि आप इस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करके आप इससे एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड रेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए फीचर्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू एडवांटेजेस कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो जुलाई 14-16 से जोमैटो का IPO खुला हुआ था, जिसमें जोमैटो ने अराउंड 9,325 करोड़ रेज करे थे। तो आप देख सकते हैं कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स इशू करके स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी बड़ा अमाउंट रेज कर सकती है। ये काफ़ी बड़ा फायदा है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट लिमिटेड लाइबिलिटी। तो जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी एडवांटेज है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। इसमें क्या है कि आप एक शेयर होल्डर जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा तो वो उससे ज़्यादा लाइबल नहीं होता, ठीक है। तो और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रेज कर सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा के आप वहाँ से अमाउंट रेज कर सकते हैं। तीसरा आता है इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद एक कंपनी के शेयर्स काफ़ी इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं आप डीमैट अकाउंट से। और चौथा एडवांटेज है हाई ट्रांसपेरेंसी। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अपने शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी टाइम टू टाइम अपने एनुअल रिपोर्ट्स, हर एक कंप्लायंसेस डिस्क्लोज करती है और इसमें हाई ट्रांसपेरेंसी रहती है शेयर होल्डर्स के बीच और कंपनी के बीच। तो ये तो कुछ मेन एडवांटेजेस थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम डिसएडवांटेजेस, जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम डिसएडवांटेज, हाई कंप्लायंसेस। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। इसमें SEBI की कंप्लायंसेस होती हैं, ROC की कंप्लायंस होती हैं, MC की कंप्लायंसेस होती हैं, ऑडिट की कंप्लायंसेस होती हैं। कंप्लायंस ज़्यादा होती हैं तो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होता है ये कंपनी को मेंटेन करना, उसको रन करना। तो ये उसका एक मेजर डिसएडवांटेज भी है। अगली डिसएडवांटेज मैं कहूँगा रेगुलेटरी ओवरसाइट। अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो आपको बहुत माइन्यूटली देखा जाता है कोई भी कंप्लायंसेस के लिए। चौथी डिसएडवांटेज ये होती है कि लॉस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, किसी भी शेयर होल्डिंग में हो सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टर्स जो होते हैं उसमें से कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं।
तो ये तो हो गए डिसएडवांटेजेस। अब अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं उसमें टाइम लिमिट क्या होती है, क्योंकि इतने टाइम में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपकी बनकर तैयार हो जाती है। यूजुअली 10 से 15 वर्किंग डेज लग पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने में। अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से चाहिए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए। हमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और पैन चाहिए होता है सभी डायरेक्टर्स और सभी शेयर होल्डर्स का। दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें यूटिलिटी बिल चाहिए होता है जिस एड्रेस पे आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं। फिर हमें NOC चाहिए होता है, हमें DIN और DSC चाहिए होते हैं सभी डायरेक्टर्स के, हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए होता है एक कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए। सो हम बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने। सबसे पहले हमें डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होते हैं, जितने भी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स हैं हमें सभी के डिजिटल सिग्नेचर चाहिए ताकि हम जो भी फॉर्म्स हैं हम उनसे अपलोड कर सकें MCA पोर्टल पे। हमें सभी डायरेक्टर्स के DIN नंबर चाहिए होते हैं। नाम और एड्रेस प्रूफ के अलावा हमें डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की भी ज़रूरत होती है एक कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए। फिर हम रजिस्टर करते हैं MCA पोर्टल पे कंपनी को, जिसमें हम एक कंप्लीटेड स्पाइस प्लस फॉर्म सबमिट करते हैं। फिर हम डायरेक्टर्स को भी MCA पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ROC इंस्पेक्ट करता है कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं वो सारे वैलिड हैं और इन ऑर्डर हैं। अगर वो सारे वेरीफाइड हो जाते हैं ROC से तो फिर ROC हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देती है। अब हम कुछ बात करेंगे कि कुछ मैंडेटरी कंप्लायंसेस क्या होते हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सबसे पहले अपना ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। और उसके बाद हमें INC 20A फॉर्म भी सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद हमें INC 20A फॉर्म भी सबमिट करना पड़ता है विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमें अपने रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करनी पड़ती है, हमें इनकम टैक्स की फाइलिंग करनी पड़ती है और AGM कंडक्ट करना पड़ती है। और AGM कंडक्ट के बाद हम लोग फाइलिंग करते हैं एनुअल रिटर्न की ROC के, जिसमें हम दो फॉर्म्स देते हैं। पहला फॉर्म हम देते हैं AOC 4 जो विद इन 30 डेज ऑफ AGM जाता है, और दूसरा फॉर्म जाता है MGT 7 जो कि विद इन 60 डेज ऑफ AGM जाता है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आई होप कि इस वीडियो में हमने सारी पॉइंट्स क्लियर कर लिए हों। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अच्छे से क्लैरिफाई करा होगा हमने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।